गुड आफ्टरनून बच्चों, क्योंकि कल छुट्टी है तो मैंने सोचा आज मैं आपकी आकस्मिक परीक्षा लूंगी। महात्मा गांधी के ऊपर। आप सभी ने महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा है, देखते हैं कितनों को वे याद हैं। कौन बता सकता है कि वे कब जन्मे थे? टीचर, क्योंकि हम उनकी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था। बहुत बढ़िया। अब बताइए कि हम अभी भी गांधी जी को क्यों याद करते हैं? वे हमारे राष्ट्रपिता हैं। उन्होंने हमें ब्रिटिश राज से मुक्त कराया था, अहिंसा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन एक कारण के लिए, 1930 में महात्मा ने दांडी मार्च से इस आंदोलन की शुरुआत की। लेकिन आपने कभी सोचा है कि उन्होंने दांडी मार्च के दौरान 390 किलोमीटर की पदयात्रा कैसे की? क्योंकि वे शरीर से चुस्त दुरुस्त थे। बिल्कुल ठीक। और उनके शारीरिक तथा मानसिक फिटनेस ने उन्हें एक बुलंद नेता बनाया। टीचर, गांधी जी जैसे नेता बनने के लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए आपको अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखना होगा। गांधी जी के सिद्धांतों के 3 मुख्य स्तंभ थे, शारीरिक सक्रियता, संतुलित आहार और स्वच्छता। हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। ये चलना, दौड़ना, तैरना या खेल हो सकता है। एक स्वस्थ तन मन के लिए प्रतिदिन 8 से 9 घंटे सोना अनिवार्य है। मुझे सोना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमारा स्वास्थ्य हमारे खान पान पर भी निर्भर करता है। तो बताइए, आप सभी को क्या खाना पसंद है? मुझे बर्गर, समोसा, पिज्जा, आइसक्रीम और चिप्स खाना पसंद है। सबको यह खाना अच्छा लगता है, लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है और कभी कभार ही खाना चाहिए। गांधी जी कहते थे कि भोजन हमेशा स्वास्थ्य वर्धक और प्राकृतिक होना चाहिए, जैसे फल और सब्जियाँ पौष्टिकता से भरपूर होते हैं। लेकिन मुझे मांस मछली भी अच्छा लगता है। गांधी जी अपने आप को शाकाहारी खाने तक सीमित रखते थे, लेकिन यदि आप बहुत सारे पत्तेदार सब्जियाँ खा रहे हैं तो आप मछली मांस भी खा सकते हैं। मुझे ये भी पता है कि गांधी बहुत कम खाते थे और संयम से रहते थे। बिल्कुल सही। संयम अति महत्वपूर्ण होता है। शराब और तंबाकू हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं और हमें उनसे बचना चाहिए। अब परेशान ना हो टीचर, हम वचन देते हैं कि हम तंबाकू, शराब और अन्य नशे से मुक्त और स्वस्थ जीवन जिएंगे। मुझे आप सब पर बहुत गर्व है। यह वचन आपको स्वस्थ रखेगा और कैंसर, डायबिटीज, दिल की बीमारियाँ, हाइपरटेंशन इत्यादि से मुक्त रखेगा। जी टीचर। उन्होंने ये भी कहा था कि हमें हमारे समाज और वातावरण का भी ख्याल रखना चाहिए। एक स्वच्छ वातावरण मलेरिया, डायरिया और सांस की बीमारियों को फैलने से रोकता है। गांधी जी बीमारियों के निवारण में खास विश्वास रखते थे। अब पता चला कि गांधी को क्यों महात्मा कहते थे। वे एक खुश मिजाज और शांति प्रिय व्यक्ति थे। हाँ, गांधी रोज 1 घंटे के लिए ध्यान में बैठते थे, तनाव से मुक्त स्वस्थ जीवन जीने के लिए। जाने का वक्त हो गया है, लेकिन याद रखिए, हमने आज जो सीखा है वह आपको जीवन में उन्नति की ओर ले जाएगा। कल छुट्टी का आप सब आनंद उठाइए। जी टीचर। और क्योंकि कल गांधी जयंती है, हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कल से ही शुरुआत करेंगे।